दोस्तों, आप गरीब क्यों हैं? बीमारी से। तो आजकल होने वाली बीमारी तुरंत दूर करो, क्योंकि आजकल होने वाली बीमारी बहुत खतरनाक चल रही है। तो इस बीमारी को जानने और सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिगड़ भगाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1, ज्यादा बीमारी कब होता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी से कर दीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे और आपकी बीमारी हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाए। दोस्तों इसका सही आंसर है कमजोरी से ज्यादा बीमारी होती है आजकल। इसीलिए दोस्तों आजकल की बीमारी के रोकथाम के लिए अच्छा से अच्छा भोजन जरूर लेना चाहिए और रात के समय में दूध दही और खूब अच्छा से अच्छा सामान खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, बाल कम उम्र क्यों पक जाता है और आप लोग नहीं जानते हैं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीर में विटामिन सी की कमी जब हो जाती है तो बाल पकना शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आलू का सब्जी जो है सीवन आलू खूब खाना चाहिए। सीवन आलू खाने से कोई प्रकार की बीमारी जो है वो नहीं होती है। एल्टी आलू जो है उससे बीमारी अनेक प्रकार की होती रहती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं यही कहूँगा कि कोई भी आलू न खाइए, सीवन आलू खाइएगा तो अच्छा रहेगा सेहत। दोस्तों आप लोगों को पैसा बचाने के लिए बस ये सब जो वीडियो है वो हम बनाते हैं दोस्तों, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 3, पपीता खाने से क्या मजबूत रहता है हरदम दोस्तों और हर वक्त? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी से कीजिएगा, बीमारी से बचना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लीवर खूब मजबूत रहता है, लेकिन पपीता 3 प्रकार का होता है। अच्छा वाला खाना चाहिए क्योंकि उसमें 3 प्रकार का होता है जिससे, और दूसरा खाने से लकवा और फालिस की बीमारी भी हो सकती है दोस्तों, तो जांच करके खाएं। सवाल नंबर 4, प्याज खाने से क्या फायदा मिलता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी से कीजिएगा, कई ऐसी जानकारी आप लोगों के पास तक मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है आंखों की रोशनी अच्छा रहता है। इसीलिए दोस्तों सब्जी में कभी भी गर्मियों के मौसम में प्याज खूब डाल करके खाना चाहिए। लहसुन थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, ठंडी के मौसम में लहसुन डालकर खा सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5, नारियल तेल और केला का पत्ता जलाकर एक साथ लगाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है किसी प्रकार का घाव है या कटा फटा हाथ में है या फोड़ा फुंसी किसी प्रकार से हो गई है तो आपको क्या करना है कि केला का पत्ता जला देना है और उसका राख में थोड़ा सा नारियल का तेल मिला करके और 2 से 3 दिन लगाने पर वो घाव जो है वो छूट जाता है। उसकी घाव की समझिए कि वो बिल्कुल जड़ से मिट जाता है, उसका सूर भी खत्म हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा बैगन कोहरा कंदा ये मीठ सामान जो है वो बिल्कुल मत खाइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। थैंक यू।